झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिश्व शर्मा ने शुक्रवार 30 अगस्त को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत हो गई। टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया कि दल में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। चंपई ने बुधवार 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। हम तो बोल दिया झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा? अब वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। और क्या 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 आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई फायदा होगा? चलो बाद में बताएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।